अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेबी बूटीज़ का एक और डिज़ाइन सिखाना जा रही हूँ। ये 1 ईयर्स का साइज़ है। मैंने ये 50 कास्ट किए हैं और 50 कास्ट करके अब मैं आपको इसका सिखाना पहले। ये सिर्फ स्ट्रेट जैसा होता है, स्ट्रेट स्टिच जो होती है, निट निट जिसे स्ट्रेट कहते हैं, कुछ निट कहते हैं, ये निट ही करूँगी मैं एंड तक। नेट फर्स्ट रो भी नेट करूंगी, ये सारा फर्स्ट रो लाइन कंप्लीट हो गई। अब जो सेकंड लाइन है, फर्स्ट वाली को हमने फर्स्ट को हमने स्किप किया, फिर सबको दोबारा से निट करना है। निट निट या जिसे सीधी सिलाई कहते हैं वही। और ये एंड तक ये सब हमने 12 लाइंस 12 रोज बनाने हैं, सब स्ट्रेट लाइन। और ये ही निट करना है जिसे सीधा कहते हैं, सीधा तक। ऐसे आपने एक सिलाई हमने 24 बनानी है, लेकिन जो रोज होंगे वो होंगे 12 रोज, उस पर हमने बनाना है इस तरह से। ये 12 रोज कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 रोज टोटली कंप्लीट हो गए हैं। अब ये करेंगे हम, यहाँ से फर्स्ट को स्किप किया तो ये 10 हम इनको बंद कर देंगे। 1 2, ये 12 मैंने बंद कर दिए। अब इसके आगे ये सब यहाँ से लेकर एंड तक इन सबको निट करके जाना है एंड तक। ये पूरी सिलाई ऐसे ले जाएंगे, पूरी सिलाई बस ऐसे ही निट करना है। ये पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से भी 12 को बंद कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। अब ये 12 पूरे हो गए हैं। अब हम इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट किया तो हमने क्या किया, पहला स्किप कर लिया, पहला हमने स्किप किया, पहले को हमने स्किप कर दिया, स्किप करके पहले को हमने फिर यान फॉरवर्ड। अब निट की तरह टू टुगेदर कर दिया, फिर से यान फॉरवर्ड, फिर दो को साथ मिला के एक बना दिया। यान फॉरवर्ड का मतलब यही होता है। फिर इसको आगे किया, ये एंड तक हम इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से जाली की तरह बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। अब ये दूसरी सिलाई वो हमने बनाई, अब ये हम दूसरी सिलाई को हम सबको वही बुनते जाएंगे निट।
निट करते जाएंगे एंड तक। मैं आपको थोड़ा सा बुन के दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये बुना है ना, ये देख रहे हैं आप इसके अंदर क्या है। ये इसकी देखते हैं, ये अंदर दरमियान में होल बन गया, ये होल बनेगा, ये इसी तरह से ये होल, ये भी ये देखें, ये जो नेट हो रहा है ये भी होल बनेगा इसके साथ, ये जो नेट हो रहा है ये होल बनेगा। इसी तरह से हम ऐसे नेट करके थोड़ा बुन सब बुनेंगे, नेट ही करेंगे तकरीबन 6 रोज। नीचे हमने 12 रोज किए थे और इसके ऊपर हम 6 रोज करेंगे। ये बंद हो गए यहाँ से, 6 रोज हम इसके इसी तरह से नेट करेंगे। मैं नेट करती हूँ फिर आपको। 6 रोज हमारे कंप्लीट हो गए, अब मैं इसको बंद कर दूँगी। देखिए ऐसे करके पहले को स्किप किया फिर नेट किया इसी तरह, ये इसके ऊपर उसके ऊपर बंद कर दिया, पास ऑफ हो गया, फिर नेट किया, फिर ये जो ये वाला है ये वाला इसके ऊपर कर दिया यूँ, फिर ये सारे इसी तरह से बनाते हुए बंद हो जाएंगे। ये देखें ये सारे बंद हो गए। ये जिस तरफ इसका धागा था उसी तरफ हमने ले आए और अब इसको इसको ये देखें ये धागा है, ये देखें जी ये सारा बंद हो गया। अब बंद बंद होने के बाद इसके ऊपर यूँ रख दिया, इनको मिला दिया, ये देखिए ये मिल गए। अब मिलने के बाद इस तरफ फैलागा इसमें निडल डाल के, तो यहाँ से लेकर यूँ करके यूँ, फिर यहाँ से यूँ यूँ सब सिलाई करनी है। सिलाई करना मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है, इसलिए इस बार मैं आपको ये पूरी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनता है। सिलाई आपको आती है इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे लंबा हो जाएगा वीडियो। ये देखें ये सिल गया, ये सिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये बैक साइड है, अब इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे। ये देखें ये बन गया, और ये देखें ये जो इसके अंदर होल जो मैंने बनाए थे इसमें आप रिबन डालें या डोरी डालें, ये इसलिए बनाए हैं ताकि ये बच्चों के पाँव से निकल जाते हैं टाइटनेस के लिए, ये और ये टाइट हो ताकि बच्चों के पाँव से ये निकले ना। ये देखें इसका शेप देखें तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, और कमेंट में भी लिखें और अपनी फरमाइशें भी दें, जो चीज़ आप बन चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको सिखाऊंगी। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।